हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी हेपेटाइटिस जो वायरस ए और ई की वजह से होता है। लीवर में तीन कंडीशंस होती है, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस। फैटी लीवर के बारे में बता चुकी हूँ मैं, हेपेटाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। इसमें बताऊंगी जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, दोनों ही आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो जो होता है जल्दी से रिकवर हो जाता है, मतलब आपका 3 से 6 हफ्तों में जो ही प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसकी वजह से जो हेपेटाइटिस होता है वो क्रॉनिक कंडीशन में नहीं जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता है, ये डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप जो है रिकवर हो जाता है। ये जो वायरस होता है वो फैलता है आपके जैसे पेशेंट है उसके फीसिस से, उसके मल से। जो पेशेंट को हेपेटाइटिस ए होता है जब वो स्टूल पास करता है तो वो वायरस उसके स्टूल में आता है, तो किसी कारण से अगर खाना है या पानी है उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है इस वायरस से, तो उससे आपका ये फैलता है। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में होता है या जहाँ पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे रूरल एरियाज़ हैं इनमें ज़्यादा होता है। जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस ए है उसके सलाइवा यानी कि लार से भी हेपेटाइटिस ए फैलता है, तो इसीलिए जो ये डिजीज़ है कॉमनली बच्चों में पाई जाती है। वैसे बच्चों में जो है सिम्टम्स जो है बहुत कम आते हैं, सिर्फ 10% में ही बच्चों में सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम डिवेलप होती है। और जो बड़े हैं, अगर बड़ों में ये जो हेपेटाइटिस ए या ई होता है तो 90% केसेस में सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है इम्यूनिटी अच्छे से डिवेलप हो चुकी होती है, तो एकदम बॉडी जो है उसके अगेंस्ट फाइट करती है, अपने आप को रिकवर करने के लिए कोशिश करती है। तो ये कारण है कि बड़ों में सिम्टम्स जल्दी आते हैं और बच्चों में लक्षण जो है वो कम आते हैं। जो होता है हेपेटाइटिस ए, मतलब मान लो कि आज आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हुआ, तो लक्षण आपको जो है कितने दिनों में आते हैं? जो हेपेटाइटिस ए होता है उसके लक्षण आपको 2 से 4 हफ्तों में आना स्टार्ट होते हैं, और जो हेपेटाइटिस ई होता है उसके लक्षण आपको 3 से 8 हफ्तों में आना स्टार्ट होते हैं। मतलब जो सिम्टम्स हैं वो आपको 3 से 8 हफ्तों में आते हैं हेपेटाइटिस ई के। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो है मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हेपेटाइटिस में जो होता है लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, सेम से होते हैं हर हेपेटाइटिस में। सिर में दर्द होगा, जॉन्डिस होगा, उल्टी आने का मन करेगा, उल्टी आएगी, थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, आपको जैसे राइट साइड पे लीवर है लीवर में भारीपन होगा या पेट में भारीपन होगा, या हाथ लगाने से पेन होगा, आपको पेट में दर्द होगा, आपका जो पेशाब है वो पीला आएगा, स्टूल जो है वो पेल कलर के आएंगे, आपका स्किन जो है ये भी आपका जो है पेल कलर में नज़र आएगा। आप जॉन्डिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, जॉन्डिस की डिटेल भी है उसमें कि जॉन्डिस क्यों होता है, कैसे पता चलता है, क्या रीजंस होते हैं इसके। तो इसको जो है डायग्नोज करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं, एक तो LFT होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है और एक वायरल मार्कर, क्योंकि किस वायरस की वजह से आपको हेपेटाइटिस हो रहा है तो उसके लिए उनको वायरल मार्कर्स करवाना पड़ता है, जिसमें कि आपका आता है कि जो हेपेटाइटिस हुआ है वो किस वायरस की वजह से हुआ है, तो एक बार इसलिए उसकी टेस्ट करवाया जाता है। प्रिवेंशन इसका यही है कि आपको पता है कि गंदगी की वजह से फैलता है, आप सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन जो है, ओवर क्राउडेड एरिया में जाने से बचें, अपनी डाइट अच्छे से लें, क्योंकि इन्फेक्शन तभी होगा ना आपको अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, अदरवाइज वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो डाइट अपना लाइफस्टाइल उसको ठीक रखें, सफाई का ध्यान रखें, जब भी जाएं खाना खाएं उससे पहले अच्छे से हाथ धोएं। तो ये सब कारणों से आप हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाता है। तो ये था हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।